म्यूचुअल फंड सही है, यह तो आपको हर जगह सुनने को मिलता ही होगा, लेकिन आपको यह कोई नहीं बताएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सभी बातों को जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन और फंड का मतलब आप सभी जानते हैं। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि लोगों के फंड को इकट्ठा किया जाता है और इस कलेक्ट किए गए फंड को हम क्या कहते हैं, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और इस AUM जो धन इकट्ठा किया गया है इसको इन्वेस्ट किया जाता है। इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। और इसको इन्वेस्ट करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं और इन प्रोफेशनल्स को हम क्या कहते हैं, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर ही डिसीजन लेते हैं कि इस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है, फंड मैनेजर्स। अब आइए हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, एक तो एसेट के आधार पर और एक स्ट्रक्चर के आधार पर। अब आइए हम जानते हैं कि एसेट के आधार पर कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें जो भी फंड होता है उसको शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को आपको दिया जाता है म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंसेस काटने के बाद। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क भी हाई होता है और रिवार्ड भी हाई होता है। अब वहीं दूसरे प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जिसे हम डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। डेट म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होता है जो मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी, विल, इन सभी को परचेस करने के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। और डेट म्यूचुअल फंड में होता क्या है, इसमें रिटर्न भी कम होता है लेकिन रिस्क भी साथ ही बहुत कम होता है डेट म्यूचुअल फंड में। और वहीं हम बात करते हैं तीसरे एसेट के आधार पर, जो तीसरा म्यूचुअल फंड है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है, इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें रिटर्न तो कम होता है साथ ही रिस्क भी कम होता है। रिटर्न कैसे, इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिटर्न कम होता है और वहीं डेट म्यूचुअल फंड है उससे इसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है और रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है इसका डेट म्यूचुअल फंड से। अब हम वही बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर हम म्यूचुअल फंड को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम म्यूचुअल फंड को तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वह होता है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप उसको सेल कर सकते हैं, यानी उसमें बाय और सेल आप कभी भी कर सकते हैं, जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरे प्रकार की, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आपको जब वह स्टार्ट होता है, यानी जब वह म्यूचुअल फंड शुरू होता है तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है और उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है, तभी आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है जब वह म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर हम वही बात करते हैं, जो तीसरे प्रकार का म्यूचुअल फंड है उसे हम कहते हैं इंटरवल म्यूचुअल फंड। इंटरवल म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है कि आपको समय समय पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 6 महीने भी मिल सकती है आपको अपॉर्चुनिटी, 1 साल, इनका इंटरवल फिक्स रहता है, यानी इनका जो टाइम स्पान हुआ फिक्स रहता है, उसी में आपको बाय या सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब तक हमने वीडियो में जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड से हमें क्या फ़ायदे हैं। म्यूचुअल फंड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वह है आपको प्रोफेशनल्स, बहुत ही लो कॉस्ट में आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाते हैं जो आपके मनी को सही तरीके से एलोकेट करते हैं और आपको जो रिस्क है उसको भी सही तरीके से वह मैनेज कर लेते हैं। वहीं दूसरा आपका बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका रिस्क कम होता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका रिटर्न तो होगा लेकिन रिस्क भी बहुत हाई होता है, इसलिए यदि आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। और वहीं बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो अगला बेनिफिट है वह है रिस्क रिटर्न के। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न
कितना चाहिए यह चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं और इसके क्या बेनिफिट है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा। इसी तरह के और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित वीडियो देखने के लिए बने रहिए सरल भारत न्यूज के साथ। इसी नोट के साथ वीडियो को अंत करते हैं। दीजिए नीलेश पटेल को इजाजत। नमस्कार।